पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिसका मुजाहरा हमने बालाकोट के नाकाम हमले के जवाब में दिया। यौम दिफा पर मुल्क के दिफा का अम पसंदी को कमजोरी ना समझना, जाहिरियत की तो जवाब बालाकोट जैसा होगा। सिपा सालार की दुश्मन को ललकार, कहा पाक फौज हर खतरे से निमटने को है तैयार। शहदा कौम के हीरोज हैं, आर्मी चीफ ने वाजे कर दिया कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, किसी यकतरफा फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे, ना किसी लचक का मुजाहरा होगा। पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरग करार दिया था। इनके इस कॉल का हर लफ्ज़ हमारे लिए अहम और ईमान का हिस्सा है। बड़ी फतह की याद में पुरवकार तकरीबा, GHQ रावलपिंडी में तकरीब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातह खानी की, पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की शहदा को सलामी, नेवल हेडक्वार्टर्स में भी खसूसी तकरीब, पाक बहरिया के अफसरान, सेलर्स और शहदा के अहले खाना की शिरकत, ईवान सदर में भी बड़ी तकरीब सजाई गई, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एजाजात दिए। कराची में मज़ारे कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, असगर खान अकेडमी के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए, लाहौर में मज़ारे इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली, पंजाब रेंजर्स के दस्ते ने फराइज संभाल लिए, DG रेंजर्स पंजाब ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की, शहदा को सलामी भी पेश की। मुसल्ला अफवाज ने दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पैगाम, कहा आजमाइश के वक्त कौम भी पाक फौज के साथ बहादुरी से लड़ी। वजीर आजम इमरान खान ने भी बता दिया मुसल्ला अफवाज मुल्क के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं। ट्विटर पैगाम में लिखा, मैं उस वक्त 13 बरस का था, वो जोश व जज्बा और यकजहती भुलाई नहीं जा सकती। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को भी शहदा पर नाज। शिकस्त के जख्म चाटता भारत बाज ना आया, भारतीय फौज की LOC पर इश्तियाल अंगेजी, सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, फायरबंदी मुहाइदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, 5 सितंबर को भारतीय फायरिंग से 19 साल लड़का जख्मी हुआ था। की डेवलपमेंट के लिए उसमें सिंध हुकूमत का 800 बिलियन रुपीज के मंसूबे हैं और वफाक के 300 बिलियन रुपीज के मंसूबे हैं। बिलावल भुट्टो के समा को दिए गए इंटरव्यू ने तनाजा खड़ा कर दिया, विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं बिलावल ने गलत बयानी से काम लिया, कराची पैकेज में विफाक की फंडिंग 300 अरब नहीं 62% है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग और हकायक को मसख करना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की थी। हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ सच बोलिए, ये नहीं होगा कि हकायक को मस करके बताया जाए और हम खामोश रहे। कराची से दहशत गर्दों का खात्मा किया, अब तरक्की पर काम करेंगे, बिलावल भुट्टो का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा, बोले वजीर आला और वजीर बल्दियात पर वाजे कर दिया कि आवाम की खिदमत करना होगी, दालों के अतराफ रहने वालों के लिए बड़ा ऐलान भी कर दिया। आप किसी का घर नहीं कराएंगे जब तक आपने नया घर नहीं तामीर किया हो, नया जगह पे वापस उनको मुतासरीन को नया जगह नहीं दिया हो। इन हाउस तब्दीली नहीं चाहते, मिड टर्म इलेक्शन करवाए जाएं, लीगी रहनुमा राणा सनाउल्लाह का मुतालबा, समा से गुफ्तगू में दावा किया हुकूमती इत्तेहादी कुछ शराइत पर साथ चलने पर राजी हैं, APC में इस्तीफों का फैसला हुआ तो भी नून लीग तैयार है, ये भी बताया कि नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने पर अगली फ्लाइट से वापस आएंगे, जेल में मिलने वाली सहूलियात पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया।
जेल में उनको वो देखभाल जो घर पे हो सकती है उसका मिलना मुमकिन नहीं है, तो ऐसी सूरत में किसी हादसे से दो चार हो सकते हैं। पाकिस्तान इमरान खान की कयादत में तरक्की करेगा। पाक फौज इस मुल्क की हकीकत और दुनिया की ताकतवर तरीन फोर्स है। शेख रशीद का अपनी किताब की रुनुमाई तकरीब से खिताब, कहा मेरी वजारतें भूख की निशानी नहीं हैं। पाकिस्तान तो क्या दुनिया में भी कोई इसकी मिसाल नहीं है कि किसी शख्स ने 14 वजारतों के कलमदान संभाले हों। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने किसी वजारत में वो निशान छोड़े हों जिससे नैब जिंदा हो जाए। सिंध हुकूमत ने इफ्तिखार शिलवानी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध भर में तमाम इलाके के डिप्टी कमिश्नर्स को एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा दिया गया। पीटीआई का ग्रेड 18 के अफसरान को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। पाकिस्तान कोरोना पर काबू पाने के करीब। 24 घंटे में सिर्फ 2 अमवात हुई, 484 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 6342 हो गई।